Hello students, welcome to Studios Vector. Myself Sanjay Rathi, ex-IES. आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज एनालॉग. ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट एक्सेट्रा. ओके, और इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनालॉग दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सभी इसका नाम तो सुने ही होंगे और सभी फैमिलियर हैं. ठीक है, तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर, राइट? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. तो देन व्हाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. ओके, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प एज वेल एज प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSUs. I have qualified ESE exam 3 times in electronics and telecommunication. Okay, और आप मुझे follow कर सकते हैं unacademy.com @SanjayKRRathi27 पर. ये है मेरा formal introduction. अब मैं अपने experience की बात बताता हूँ. इन 18 सालों में मैंने number of candidates को पढ़ाया है, directly deal किया है, right? वो संख्या शायद 1 लाख से भी ज़्यादा है. ओके, तो इस पीरियड में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के एस्पिरेंट से मैंने डील किया. तो वहाँ एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना एनालॉग के कंसेप्ट क्लियर किए, राइट, बिना एनालॉग के कंसेप्ट क्लियर किए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना बहुत ही मुश्किल है. क्रैक करना तो बड़ी बात हो गई. ओके, तो इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो काफी आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे और रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी मेरे लाइव सेशन अवेलेबल है, स्पेशल क्लासेस हैं और प्लस में एक क्रैश कोर्स आने वाला है, वो भी आप इनरोल कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशल क्लासेस प्लस में कोर्सेस के बारे में. यह है पैनल ऑफ फैकल्टीज जो ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में है, इनको आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑन unacademy.com. अगर आप इसे लैपटॉप पर अटेंड कर रहे हैं तो लैपटॉप में दिखाई देगा, यहाँ आपको यहाँ दिखाई देंगे एडुकेटर, यहाँ है आपका पूरा कंटेंट चलता होगा, राइट? और जब आपको एडुकेटर ने पढ़ाया और यहाँ आपने देखा और अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो इस पोजीशन पे आप अपने डाउट्स दे सकते हैं और अपने कमेंट्स कर सकते हैं. ठीक, तो ये तो है फिगर में, लेकिन अगर आप इसे लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जाइए unacademy.com पर. ओके, अब आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 1667 पर मंथ. एंड अगर आप राठी लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा 10% का. सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो फी आएगी अराउंड 2083 पर मंथ. आप अगेन कोड यूज करते हैं राठी लाइव, देन आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. आप अगर इसे मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ओके, उसे ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ESE, यहां हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज एनालॉग. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ एनालॉग और किस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का वेटेज है, ये सब हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है डायोड सर्किट. इस डायोड सर्किट में आता है रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर एंड वोल्टेज रेगुलेटर. ये है 4 टॉपिक. ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. खासकर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में आपको कमांड करनी है, काफी न्यूमेरिकल्स इस पोर्शन से आते हैं.
यहाँ फिर सेकंड टॉपिक आता है बीजेटी बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर बीजेटी को बायस किया जाता है इन एक्टिव रीजन में ताकि वो एम्पलीफायर जैसा काम कर सके। उसके बाद बायसिंग करने के बाद कैस स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। ओके, तो स्टेबलाइजेशन को टेक्निक कौन कौन सी होती है यहाँ हम डिटेल में देखेंगे। फिर थर्ड आता है करंट मिरर सर्किट। करंट मिरर सर्किट एक्चुअली होता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ओके, तो वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली रिलाइजेबल है लेकिन करंट सोर्स प्रैक्टिकली रिलाइजेबल नहीं होता, इसीलिए आपको वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना होता है। तो वहां हम देखेंगे कि करंट मिरर कैसे इसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि करंट मिरर मीन्स आउटपुट करंट इज फोर्स्ड टू इक्वल द इनपुट करंट। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इनपुट करंट कहाँ से आया जब प्रैक्टिकली नहीं होता, तो ये बेसिकली है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, ये वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एम्पलीफायर स्टार्ट होता है। एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक है लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी एंड सेकेंड है हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी। ओके, तो लो एंड हाई का मतलब है जब आप ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो ऑडियो डील करता है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो ये जो रेंज है वो लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज है और ये जो रेंज है हायर फ्रिक्वेंसी रेंज है। तो जो सिग्नल आता है तो बिहेवियर ऑफ बीजेटी चेंज होते जाता है विद फ्रिक्वेंसी, तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है। उसके साथ क्या क्या चेंज आते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम आती है, हाई फ्रिक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम आती है और मिड फ्रिक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चाहे वो FET हो चाहे BJT हो बोथ एक्ट एज बैंड पास फिल्टर। ये है बैंड पास फिल्टर। ओके, एंड दिस इज द लो फ्रिक्वेंसी रीजन, दैट इज द लो, दिस इज हाई एंड दिस इज व्हाट मिड। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यहां। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो देखो हमारा आज का टॉपिक ही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ हम मल्टी स्टेजेस के डेरिवेशन करेंगे। हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, मल्टी डबल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, और वहाँ देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ओवर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, तो फीडबैक एम्पलीफायर में आप देखेंगे फोर टोपोलॉजी, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। से कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे ऑसिलेटर, दैट इज साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। यहाँ आएगा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, कॉलपिट, क्लैप, हार्टले, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, बार क्वेश्चन क्राइटेरिया। तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर आएगा हमारा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समर, इंटीग्रेटर, डिफ्रेंशिएटर, ये सब आएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा वेव फॉर्म सिंथेसिस का। वेव फॉर्म सिंथेसिस में हम सबसे पहले रीड करेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स, राइट। तो मल्टी वाइब्रेटर थ्री टाइप्स के होते हैं, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। बायस्टेबल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द सिमिट ट्रिगर। हम इसलिए आने वाले वीडियोज में इसको डिस्कस करने वाले हैं, सिमिट ट्रिगर। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं पूरा डिटेल में लूंगा और एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनता है ये। देन फिर है मोनोस्टेबल एंड देन व्हाट अस्टेबल। अस्टेबल इज नथिंग बट स्क्वायर वेव जनरेटर। ओके, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिमिट ट्रिगर इज ऑल्सो स्क्वायर वेव जनरेटर और ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर है। सिमिट ट्रिगर इज नॉट अ स्क्वायर वेव जनरेटर, इट इज अ सिंपल कन्वर्टर है। आप कोई भी वेव फॉर्म इसे देंगे तो ये स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर और कन्वर्टर में डिफरेंस है। जनरेटर का मतलब होता है देयर इज अ आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं सिमिट ट्रिगर की, तो देयर इज अ आउटपुट विद सम इनपुट, राइट। दैट्स व्हाई सिमिट ट्रिगर इज नॉट अ जनरेटर, बायस्टेबल इज नॉट अ जनरेटर। यहाँ जनरेटर जो है वो है अस्टेबल। तो ये छोटे छोटे जो कंसेप्चुअल पॉइंट है ना, वो आपको वीडियोज में क्लियर होंगे।
फिर उसके बाद हम देखेंगे 555 टाइमर, ओके, पूरा डिटेल में हम देखेंगे और इसके तीनों मोड के बारे में बात करेंगे, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल मोड में। देन नेक्स्ट टॉपिक आएगा लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई पास आरसी सर्किट एंड लो पास आरसी सर्किट। दिस इज द हाई पास एंड दिस इज लो पास। तो इस दो टॉपिक देखिए कितना सिंपल सा लग रहा है ना, सी आर और आर और सी। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो ये सिंपल सा टॉपिक अपने अंदर बहुत डेप्थ लेकर रखा हुआ है और इतनी डेप्थ इंपॉर्टेंट होती है टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एंड गेट एग्जाम, ओके। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से और मैंने उसे सिलेबस में रखा है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। देख रहे हैं आप यहाँ सिलेबस आया, डायोड सर्किट, बीजेटी बायसिंग, करंट मिरर सर्किट, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, ओके, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, वेवफॉर्म सिंथेसिस, राइट। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने लास्ट में रखा हुआ है यहाँ, और जबकि स्टार्ट किससे कर रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, ठीक है। अब देखिए पढ़ाने में ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है सिक्वेंस, किस टॉपिक को किस में लेना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे खास बात होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सबसे पहले लेने का रीज़न है क्योंकि जब डायोड सर्किट में आप रेक्टिफायर बनाएंगे ना, ये पैसिव रेक्टिफायर है, ओके। और पैसिव रेक्टिफायर में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक्टिव रेक्टिफायर्स बनाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पैसिव क्लैंपर पढ़ रहे हैं, फिर हम एक्टिव क्लैंपर बनाएंगे। तो एक्टिव रेक्टिफायर्स में और एक्टिव क्लैंपर में हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमारे ओपएम के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सेकेंड, जब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर एज वेल एज आगे जब हम फीडबैक पढ़ रहे हैं तो फीडबैक एम्पलीफायर में भी हम लोग देखेंगे कि ओपएम की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग में कौन से टोपोलॉजी है, राइट। ऑसिलेटर में भी हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ज़रूरत आने वाली है। अब देखिए जब हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, फिर पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी और उसके साथ आएगा सिमिलरली लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ व्हाट, एफईटी, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पहले आप बीजेटी के कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एफईटी। सिलेबस क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है बेसिकली इट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिजाइन होने से पहले की, राइट। बहुत पहले चले जाइए इसके इतिहास में और वहां देखिए कि एक डिजाइन करना था एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, ओके। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का जब इक्विवेलेंट सर्किट जो पेपर में ड्रॉ किया गया तो ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट सर्किट ये है बॉक्स, इसके अंदर जो बना हुआ है वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनी वोल्टेज एम्पलीफायर। हर वो एम्पलीफायर का एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है RI, उसके अक्रॉस एक ड्रॉप आता है VI, इस VI को एम्पलीफाई करके बनाया जाता है AVVI, राइट। और ये होता है उसका R0, दैट इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो है ना ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर और ये जो AV है ये है इंटरनल गेन। अब हम बाहर से एक बैटरी लगाते हैं तो उसका VS और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS और यहाँ हम लोड लगाते हैं RL जिसके अक्रॉस हमें चाहिए यूजफुल V0, राइट। तो हमारे लिए जो ज़रूरत का है वो है V0। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो है ना VS वो VI बन जाना चाहिए, मतलब VI शुड बी नियरली इक्वल टू व्हाट, VS। व्हाई? क्योंकि ये एम्पलीफायर इस VI को एम्पलीफाई कर रहा है ना कि इस VS को एम्पलीफाई कर रहा है। तो और दूसरी बात रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाना चाहिए। व्हाई? क्योंकि अगर करंट जाएगा तो पावर डिसिपेशन होगा, पावर डिसिपेशन ना हो तो II क्या होना चाहिए, जीरो, सो दैट द पावर डिसिपेशन PD इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो और हमारा है VI किसके बराबर होना चाहिए, VS के बराबर होना चाहिए। इसीलिए आइडियली हम चाहते हैं RI क्या हो, इनफाइनाइट हो। अगर ये RI इनफाइनाइट है तो पहली बात यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, इट मीन्स पावर डिसिपेशन इज जीरो। दूसरी बात, अगर करंट नहीं है तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस RS, जीरो। ड्रॉप अक्रॉस RS जीरो है तो VI इज नियरली इक्वल टू व्हाट, VS, ओके। तो ये हो गया
why RI should be infinite. तो RI infinite होना चाहिए ideally. दूसरी बात, जब सिग्नल एम्पलीफाई होकर यहाँ आ गया तो ये हमारे लिए यहाँ यूजफुल नहीं है, यहाँ है. पूरा का पूरा सिग्नल V नॉट जो है वो RL के अक्रॉस आ जाना चाहिए. वो तभी पॉसिबल है जब ये R नॉट जीरो हो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइड रूल. तो V नॉट हो जाएगा AV VI के बराबर, इसीलिए R नॉट का भी क्या होना जरूरी है, जीरो होना है. सो V नॉट इज इक्वल टू AV VI. पूरा एम्पलीफाइड जो है वो पूरा का पूरा आउटपुट में बाहर आ जाएगा. ओके अब तीसरी बात है, जो ये जो गेन है AV, इट शुड बी इनफाइनाइट. इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि सपोज आपको V नॉट चाहिए 5 वोल्ट, तो इस 5 वोल्ट के लिए आप इनपुट कितना लगाएंगे, तो V नॉट इज इक्वल टू होता है AV VI, अभी आपने देखा. तो VI इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई AV. अगर आपका V नॉट 5 वोल्ट है और AV अगर इनफाइनाइट है तो आउटपुट आया, ये आ रहा है जीरो. इसका मतलब देयर इज अ फाइनाइट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट. इज इट क्लियर, देयर इज अ फाइनाइट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, राइट. तो इसीलिए एक रिक्वायरमेंट थी कि AV भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट. तो देखिए क्या क्या आइडियल कंडीशन में रिक्वायर्ड हो गया, RI इनफाइनाइट होना चाहिए, AV इनफाइनाइट होना चाहिए और R नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक. तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अभी R&D पर भी डिमांड की जा रही है कि अच्छे बच्चे R&D पे जाएं. तो R&D करना हो तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, राइट, उसको आपको पेपर में डिजाइन करना पड़ेगा और आइडियल कंडीशन लिखनी पड़ेगी पहले, डिजाइन करने से पहले, ठीक है ना. इससे पहले एक मैंने वीडियो में आपको बताया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर एग्जाम निकालना है तो आप पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकालने से पहले आप उसका सपना देखिए और सपना देखने के बाद आप टॉपर्स के मार्क्स, ठीक है ना, टॉपर्स के मार्क्स कलेक्ट कीजिए और उसे टारगेट कीजिए, ना कि कट ऑफ मार्क्स को, राइट. क्या आप ये सब डेटा क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालने के बाद कलेक्ट करोगे क्या, या एग्जाम देने के बाद? तो एग्जाम देने से पहले आप टॉपर्स से मार्क्स कलेक्ट करना है, अपना शेड्यूल सेट करना है, यस. तो सिमिलरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिजाइन करने से पहले, या हम बोल सकते हैं आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर डिजाइन करने से पहले हमने देखा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर क्या क्या चाहिए. तब पता चला रिक्वायर्ड है RI इनफाइनाइट होना चाहिए, AV इनफाइनाइट होना चाहिए और R नॉट जीरो होना चाहिए. ओके अब जब बात की गई, जब सैंपल सर्वे किया गया क्या ये पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आइडियलिस्टिक वैल्यू है. देन फिर प्रैक्टिकली साइंटिस्ट से पूछा गया कि आप कुछ प्रैक्टिकल जवाब दीजिए. तब प्रैक्टिकल जवाब आया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए, तो VI जो होना चाहिए वो VS के बराबर होना चाहिए. तो उस केस में पॉसिबल है अगर हम RI को वेरी वेरी ग्रेटर देन रख दें RS, RI को किससे ज्यादा रख दें, वेरी वेरी ग्रेटर देन RS, देन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइड रूल VI इज इक्वल टू हो जाएगा RI अपॉन RI प्लस RS इंटू VS, राइट. और अगर ये RI बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू RS, तो RS यहां से नेग्लिजिबल हो गया, RI कैंसल, तो VI इज इक्वल टू आ गया आपका VS, राइट. इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ये VI VS के बराबर हो जाए और नियरली इक्वल हो जाए, नियरली का सिंबल ये हो गया, अगर नियरली इक्वल हो जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट है RI शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RS. सेकेंड, अगर हम चाहते हैं कि वी नॉट जो है वो AV VI के बराबर हो जाए, तो देखिए अगेन फार्मूला आ गया, वी नॉट इज इक्वल टू AV VI, राइट, इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL. तो अगर R0 जीरो नहीं है तो हमारी दूसरी कंडीशन है R0 शुड बी वेरी वेरी लेस देन RL, राइट. तो R0 जब अगर RL से बहुत छोटा हो गया तो RL R0 गायब हो जाएगा, ये RL ये RL कैंसिल हो गया और V0 हो जाएगा AV VI के बराबर. तो जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकली हमें रखना है RI शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RS एंड R0 शुड बी वेरी वेरी लेस देन RL. ओके तो ये है एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट, राइट. अब हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इज नथिंग बट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वोल्टेज गेन,
वोल्टेज गेन होना चाहिए आइडियली इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकली पाया जाता है 10 to the power 6. इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, शुड बी इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली है 10 to the power 6 ohm. आउटपुट रेजिस्टेंस 0, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू है 10 to 100 ohm. बैंडविड्थ होना चाहिए इनफाइनाइट, और यहाँ बैंडविड्थ है 10 to the power 6 hertz इफ AV इज इक्वल टू व्हाट 1. तो बैंडविड्थ का हम कंसेप्ट देखते हैं. बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ का मतलब होता है द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच गेन इज ऑलमोस्ट इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? ऐसी बैंड जिस पर गेन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करे. वैसा हम क्यों चाहते हैं? तो देखिए, चाहते हम इसलिए हैं कि ये जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है, हम चाहते हैं कि फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है. इस रेंज में गेन में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ये गेन है. गेन शुड बी कॉन्स्टेंट, मीन्स इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक्स एक्सिस में हमने एफ रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे एवी रखा हुआ है, दैट इज द गेन. और हम चाहते हैं कि ये गेन क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे. क्लियर है पॉइंट? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ये हमारी बैंडविड्थ हो गई. तो बैंडविड्थ का मतलब है द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच गेन इज इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होना चाहिए लेकिन गेन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए. अगर गेन फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा ना, तो आप अभी मेरी आवाज़ भी प्रॉपर सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना? और बैंडविड्थ वाकई ज़्यादा होना ज़रूरी है फॉर गुड रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? गुड रिप्रोडक्शन और फेथफुल रिप्रोडक्शन. फेथफुल रिप्रोडक्शन, फेथफुल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आप कुछ समय बाद आप इसे वीडियो को वापस देखेंगे, और जब वीडियो को वापस देखेंगे तो बताइए क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा है रिकॉर्डिंग में, और पता चला आपको सुनाई दे रहा है अबाउट ट्रांजिस्टर, ठीक बात है ये? तो देखिए, जो रिकॉर्ड किया गया है ना, उसका ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल के लिए जरूरी है बैंडविड्थ शुड बी वेरी वेरी हाई, ओके? और मिनिमम कम से कम जितनी रिक्वायर्ड रेंज है उतनी तो बैंडविड्थ हमारी होनी चाहिए. तो आइडियली क्या होना चाहिए फिर बैंडविड्थ? इनफाइनाइट, राइट? यह लेकिन प्रैक्टिकली पाई जाती है 10 to the power 6 hertz. ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कैसे होता है पॉसिबल. एक एम्पलीफायर की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, जिसे नॉर्मली GBWB कहा जाता है. व्हाट इज दिस? G फॉर गेन, BW फॉर बैंडविड्थ. तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इट शुड बी इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. तो जब हम बहुत कोशिश करते हैं और अच्छे से डिज़ाइन करते हैं तो ये अचीव होता है 10 to the power 6 hertz. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसे इंक्रीज किया जाता है, ओके? देन है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये है इनफाइनाइट और ये है 10 to the power 6. फिर CMRR के बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन आता है स्ल्यू रेट, अगेन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी होना चाहिए इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू होती है 80 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. तो देखिएगा, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड इसकी यूनिट है, और स्लीव रेट है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, DV0/DT मैक्स, ओके? तो क्यों है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ज्यादा होना क्यों जरूरी है, और ये कैसे अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, ये सब हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, ओके? तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अब हम स्टार्ट करते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, राइट? दो बातों की हमारी रिक्वायरमेंट है. पहला, बैंडविड्थ क्या होना चाहिए? बैंडविड्थ इनफाइनाइट. गेन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट. दो ये चीजें हैं, बैंडविड्थ एंड गेन. लेकिन गेन और बैंडविड्थ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. और डिपेंड करते हैं मीन्स आप इससे समझेंगे, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज अ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एनी एम्पलीफायर, और ये होता है कॉन्स्टेंट.
इज इट क्लियर? ये होता है व्हाट? कांस्टेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। अब जब ये कांस्टेंट है तो आप अगर गेन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, और अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गेन कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इनका एवी इंक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, ओके? और एवी बैंडविड्थ इंक्रीजेस, गेन डिक्रीजेस, जबकि हमें दोनों हाई चाहिए, राइट? अगर आपको दोनों हाई चाहिए इसका मतलब आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है ना, वो है फिगर ऑफ मेरिट। क्या है ये? फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एनी एम्पलीफायर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर ऑफ मेरिट? पहले तो आप ये बात समझिए, तो फिगर ऑफ मेरिट ना ना तो गेन है ना तो बैंडविड्थ है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है फिगर ऑफ मेरिट। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, तो मुझे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लेट एक एग्जांपल लेते हैं। एवी यहां पर दिया हुआ है 10 और बैंडविड्थ है 100 हर्ट्ज, और ये हमने फिगर बनाया है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। दिस इज द गेन 10 और बैंडविड्थ है 100 हर्ट्ज। बैंडविड्थ का मतलब है अगेन गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैंडविड्थ इन दिस रेंज। उसके बाद तेजी से बैंड गेन रोल ऑफ कर रहा है, क्लियर है? रोल ऑफ, ये रोल ऑफ किया और यहां तेजी से नीचे आ गया। तो जहां तक गेन कांस्टेंट होता है उसे बोला जाता है बैंडविड्थ। तो यहां इसकी बैंडविड्थ हो गई 100 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट? 10 × 100 दैट इज 1000, राइट? अब अगर मेरी बैंडविड्थ इतनी कम है 100 हर्ट्ज, तो मेरे ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज कहां है? 20 हर्ट्ज टू व्हाट? 20 किलो हर्ट्ज। तो ये तो इस रेंज में नहीं आएगा क्योंकि इसकी तो रेंज ही 100 हर्ट्ज है ओनली। तो बताइए आप मेरा ऑडियो सुन पाएंगे? नॉट पॉसिबल। देयर इज नो फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल इफ बैंडविड्थ इज लिमिटेड, राइट? दैट्स वेरी वेरी लिमिटेड बैंडविड्थ, ओनली 100 हर्ट्ज। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा सिग्नल को। तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे बैंडविड्थ को बढ़ाना है। गेन मुझे 10 चाहिए, गेन इतना ही काफी है। बैंडविड्थ है, अब मैं इसे किसी तरीके से बढ़ाकर अगर 10^5 हर्ट्ज कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ आ गया आपका 20 हर्ट्ज, इस रेंज में आ गया 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि मेरी बैंडविड्थ है अप टू 100 किलो हर्ट्ज। इसे आप एक्सपेंड कीजिए तो ये हो गया है 100 किलो हर्ट्ज। तो देखिए पूरी की पूरी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज गेन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट और इनडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? फ्रिक्वेंसी। तो गेन वेरी नहीं कर रहा है फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर इतनी बैंडविड्थ मुझे अचीव हो जाए, क्या इतनी बैंडविड्थ अगर मुझे अचीव हो जाए, तो मेरा रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल जो होगा वो फेथफुल होगा, ओके? नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें देखिए क्या अचीव करना है। तो देखिए मैंने हमेशा कहा ना, पहले आप प्रॉब्लम ढूंढिए, ओके? क्या क्या है, फिर उसमें से आपको क्या चाहिए, रिजल्ट्स क्या चाहिए, ओके? और फिर अब हम कोशिश करेंगे इस रिजल्ट को कैसे अचीव किया जाता है। अब देखिए हम बना रहे हैं एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, राइट? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने सिमिलर सिंगल स्टेज का जो हमने लास्ट समय कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे टोटल 6 स्टेजेस यहाँ लगाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसे बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है जब एक का इनपुट दूसरे के लिए क्या बन जाए, एक जो आपका जो इनपुट है वो आपका ये आउटपुट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक का आउटपुट है वो दूसरे के लिए बन जाए इनपुट, ओके? तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज विल एक्ट एज इनपुट फॉर नेक्स्ट स्टेज। फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया, 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 और ये फाइनल आउटपुट हो गया और ये इनिशियल इनपुट हो गया, ओके? तो ये है कैस्केडिंग और मल्टी स्टेजिंग। जब हम इस तरीके से लगाते हैं तो ओवरऑल जो गेन है ना वो सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने 6 स्टेजेस लगाई हैं, तो ओवरऑल गेन हो गया 10^6, ओके? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट? तो गेन आइडियली आपको क्या चाहिए था, ठीक है ना? थोड़ी देर पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, गेन आपको चाहिए इनफाइनाइट। आपने यहाँ 6 स्टेजेस लगाई तो गेन हो गया 10^6, तो 8 लगा दो। अगर 8 स्टेज लगाओगे तो 10^8 हो जाएगा, 10 लगाओगे तो 10^10 हो जाएगा। एक काम करो, इनफाइनाइट लगा दो, तब तो गेन इनफाइनाइट होगा,
तो इनफाइनाइट ऐसे स्टेजेस अगर हम कैस्केडिंग में लगा दें या मल्टीस्टेजिंग कर दें तो ओवरऑल गेन हमारा 10 टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा और गेन हो गया ओवरऑल इनफाइनाइट और हमने आइडियल कंडीशन अचीव कर ली। ठीक है, तो देखिए मेरे क्लास का एक्सपीरियंस देखिए, 18 ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैंने क्लास में पूछा क्या ये पॉसिबल है तो सबने कहा नहीं पॉसिबल है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई नॉट, सर इतने नंबर ऑफ स्टेजेस हम नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ स्टेजेस लगाते जाएंगे बहुत सारे लगा सकते हैं। तो ये देखो, ये इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप मत बताइए कि नंबर ऑफ स्टेजेस हम नहीं लगा सकते। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस अवेलेबल हैं, इनफाइनाइट अवेलेबल है, अगर अवेलेबिलिटी थी तो फिर क्यों नहीं लगाया गया, इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया 6 पर। तो ये देखिए, तो समझिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक स्टेज यूज की तो ये है आपके एक सिंगल स्टेज, आपने यहाँ से सिग्नल डाला और यहाँ से सिग्नल जब बाहर आया ना तो इसे बाहर आने में टाइम लग रहा है, इसे बोला जाता है प्रोपोगेशन डिले। अगर एक स्टेज का प्रोपोगेशन डिले 10 नैनो सेकेंड है, सिग्नल को यहाँ से अंदर जाने में और यहाँ से बाहर आने में 10 नैनो सेकेंड लगते हैं तो दो स्टेज का कितना होगा, राइट 20 नैनो सेकेंड, तीन का 30, चार का 40, पाँच का 50 और छः का कितना हो गया 60 नैनो सेकेंड्स। इज इट क्लियर, तो यहाँ तक टोटल जब सिग्नल अंदर गया और यहाँ से जब बाहर आया, राइट, तब आपका टोटल डिले आ चुका था 60 नैनो सेकेंड, राइट। तो 7 स्टेज यूज करेंगे तो 70, 8 करेंगे तो 80, 10 करेंगे तो 100, और अगर आप इनफाइनाइट यूज करोगे तो इनफाइनाइट प्रोपोगेशन डिले हो जाएगा। प्रोपोगेशन डिले इज रिप्रेजेंटेड बाई टॉपी, और अगर हम यूज कर रहे हैं इनफाइनाइट स्टेज फॉर कैस्केडिंग तो पूरा हो गया टोटल डिले इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डिले, मतलब सिग्नल गया अंदर एम्पलीफाई होने के लिए, राइट, बहुत बढ़िया गेन हो गया इनफाइनाइट, लेकिन सिग्नल एम्पलीफाई होके कभी बाहर ही नहीं आया, समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो सिग्नल कभी बाहर ही नहीं आएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि आपने जब ऑप एम्प मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है तो फिर इनफाइनाइट स्टेजेस लगा देते तो आइडियल कंडीशन मिल जाती, इज इट क्लियर, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, तो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि नंबर ऑफ स्टेजेस अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ स्टेजेस अवेलेबल हो सकते हैं, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते हैं प्रोपोगेशन डिले बढ़ता जाता है, और अगर प्रोपोगेशन डिले बढ़ता जाएगा तो जब सिग्नल अंदर जाएगा तो आउटपुट को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमने नंबर ऑफ स्टेजेस इनफाइनाइट कर दिए तो सिग्नल कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्लियर। और अब देखते हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते जाते हैं तो एक और प्रॉब्लम होती है बैंडविड्थ पर, क्यों, क्योंकि बैंडविड्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोगेशन डिले, इज इट क्लियर। तो जैसे जैसे प्रोपोगेशन डिले बढ़ता जा रहा है ना तो बैंडविड्थ वैसे वैसे कम होती जा रही है, तो देखिए लिखा हुआ है प्रोपोगेशन डिले इंक्रीजेस ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग बैंडविड्थ डिक्रीजेस, और बैंडविड्थ डिक्रीज होते 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 डिक्रीज हो गई 1 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब देखिए सिंगल स्टेज के लिए बैंडविड्थ कितनी थी 100 हर्ट्ज, गेन कितना था 10, मल्टी स्टेज के लिए बैंडविड्थ हो गई व्हाट रिड्यूस होते 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 रिड्यूस हो गई 1 हर्ट्ज, इज इट क्लियर, और गेन बढ़कर हो गया है 10 to the power 6। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड सॉरी वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेजिंग इज द रिडक्शन इन व्हाट बैंडविड्थ, तो रिडक्शन हो जाता है बैंडविड्थ में। तो यहां देखिए बैंडविड्थ रिड्यूस होकर हो गई 1 हर्ट्ज, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आप निकालोगे तो गेन हो गया है 10 to the power 6, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आ रहा है 10 to the power 6 हर्ट्ज, ओके। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, सिंगल स्टेज के लिए आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट था 10 to the power 3, दैट इज 1000 ओनली, और मल्टी स्टेज के लिए, राइट, मल्टी स्टेज आप देखिए लास्ट स्लाइड में व्हाट इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट फॉर सिंगल स्टेज, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट फॉर सिंगल स्टेज इज 1000 10 to the power 3, ओके, बैंडविड्थ 100, गेन 10, फिर से मैं आपका पॉइंट में ध्यान देना चाहिए आपको। अब जब आपने मल्टी स्टेज बनाया तो बताइए बैंडविड्थ रिड्यूस होकर हो गई 1 हर्ट्ज, डिसएडवांटेज, गेन बढ़कर हो गया 10 to the power 6,
एडवांटेज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना वो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, वो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़कर हो गया 10 to the power 6 हर्ट्ज़। तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेजिंग, राइट? गेन में इंक्रीज होना इसका मेन एडवांटेज नहीं है, इसका मेन एडवांटेज है इंक्रीज इन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गई बात। आप यहां पर कॉर्नर पे आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। दिस इज द बैंडविड्थ आफ्टर मल्टी स्टेजिंग, दिस इज द बैंडविड्थ बिफोर मल्टी स्टेजिंग, और दैट इज फॉर सिंगल स्टेज, और जब एन इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे बैंडविड्थ कम होती चली जाएगी, और ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ओके, यहां मैंने एक टेंटेटिव यूज किया है, इतना ज्यादा अभी हमें फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात याद रखिए, मल्टी स्टेजिंग करने से गेन बढ़ता है, बैंडविड्थ कम होती है, लेकिन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट काफी इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ। तो देखिए, आपने जब मल्टी स्टेजिंग की तो गेन बढ़कर हो गया 10 to the power 6। ओके, ये गेन जो आपको फिगर में दिख रहा है यहां, और लेकिन ये कांस्टेंट है अप टू व्हाट 1 hertz, ओनली कांस्टेंट है 1 hertz, उसके बाद तेजी से रोल ऑफ कर रहा है गेन, राइट? इतनी कम बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है, ओनली बैंडविड्थ है 1 hertz, और हमारा ऑडियो सिग्नल है फ्रॉम 20 hertz to 20 kilohertz। इज इट क्लियर? नो डाउट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज्यादा है, गेन ज्यादा है, लेकिन बैंडविड्थ बहुत ही कम है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ओके, इसीलिए हम ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमारे एप्लीकेशंस में यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि गेन ज्यादा है, इसलिए क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ही कम है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करना हो तो हमें लगाना होता है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन रिड्यूस होगा और बैंडविड्थ इंक्रीज करेगी। ओके, तो हम देखते हैं, ये है कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। यहां से हमने फीडबैक लिया, यहां नेगेटिव लगाया, यहां पॉजिटिव लगाया, ये है आउटपुट, ये है इनपुट, और ये है गेन। तो यहां गेन था 10 to the power 6। जब आप नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो गेन रिड्यूस करेगा। ओके, तो बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगी। तो आफ्टर नेगेटिव फीडबैक गेन रिड्यूस हुआ, बैंडविड्थ वापस इंक्रीज कर गई। तो ये देखिए, ये मैंने रिड्यूस किया, नेगेटिव फीडबैक लगाते लगाते गेन को मैंने वापस रिड्यूस कर दिया 10 पर, लेकिन यहां बैंडविड्थ बढ़ते 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 पहुंच गए 10 to the power 5 hertz। ओके, इसमें इस फिगर में खास बात जो ध्यान देने वाली बात है ना, तो आप फिगर 1 के लिए आप प्रोडक्ट निकालिए, ये है गेन, ये है बैंडविड्थ, तो प्रोडक्ट आएगा 10 to the power 6 hertz। नेक्स्ट आप इसके लिए निकालिए, यहां पर गेन है 10 लेकिन बैंडविड्थ है 10 to the power 5 hertz, व्हाट इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट? 10 to the power 6 hertz। तो दोनों केस में आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो बिफोर फीडबैक और आफ्टर फीडबैक द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये है गेन बैंडविड्थ कांस्टेंट। अब अगर आप गेन को रिड्यूस करोगे तो डेफिनेटली बैंडविड्थ इंक्रीज करेगी, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और किसी भी एम्पलीफायर के लिए जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल फेथफुल होगा, उतना ही सर्किट स्टेबल होगा। ठीक है ना, स्टेबिलिटी के बारे में हम कंट्रोल में पढ़ते हैं, तो वहां हम लोग चेक करते हैं राउथरविट्स क्राइटेरिया, रूट लोकस, नाइक्विस्ट, बोडे प्लॉट, ये सब। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की एंड बैंडविड्थ की। ओके, तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं, हमने क्या सीखा, पर्पस ऑफ मल्टी स्टेजिंग इज टू इंक्रीज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, राइट? तो ये इसका मेन पर्पस है, राइट? दूसरा है ड्यू टू मल्टी स्टेजिंग बैंडविड्थ डिक्रीजेज एंड गेन इंक्रीजेज। ओके,
अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लें। तीन चीज़ें हमने पढ़ी, फॉर सिंगल स्टेज, फॉर मल्टी स्टेज विदाउट फीडबैक एंड फॉर मल्टी स्टेज विद फीडबैक। जब हम बात कर रहे हैं सिंगल स्टेज की तो गेन है 10, बैंडविड्थ है 100, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है 1000, ये हमारा स्ट्रक्चर था। गेन है 10, बैंडविड्थ है 100 हर्ट्स ओनली, राइट, ये स्ट्रक्चर है और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है 1000। जब हमने मल्टी स्टेजिंग की, कैस्केडिंग की, तो गेन हो गया 10^6 हर्ट्स, लेकिन बैंडविड्थ रिड्यूस होकर हो गई 1 हर्ट्स और ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आ गया 10^6 हर्ट्स। तो मैंने बात बताई, ये हमारे किसी काम का नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पर गेन बहुत ज्यादा है लेकिन बैंडविड्थ बहुत कम है, ओके। तो ये हमारे लिए बन गया है खजूर का पेड़। क्या बोलते हैं खजूर के पेड़ के बारे में, क्या है दोहा, राइट। तो यहाँ पर ये इतना लंबा है, गेन बहुत ज़्यादा है लेकिन बैंडविड्थ बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इज इट क्लियर। तो हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते। हम जब भी ऑप एम्प या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं तो हम हमेशा लगाते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के बाद गेन रिड्यूस हो जाता है 10 में, क्योंकि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है इसलिए बैंडविड्थ बढ़कर हो जाती है 10^5 हर्ट्ज़, ओके। तो ये देखिए गेन आ गया 10 और ये हो गई बैंडविड्थ 10^5 हर्ट्ज, राइट। अब आप देखिए इतनी मेहनत इस पूरे वीडियोस में हमने क्या किया, क्या है आखिर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, गेन चाहिए 10, बैंडविड्थ चाहिए वॉट 10^5 हर्ट्ज और मोर देन दैट। यहां पर पॉइंट देखिए, जब हम सिंगल स्टेज यूज कर रहे हैं ना तो गेन हमारा 10 ही है लेकिन बैंडविड्थ कितनी थी, ओनली 100 हर्ट्ज। तो हमारा बेसिक पर्पस गेन बढ़ाना नहीं है, हमारा बेसिक पर्पस बैंडविड्थ बढ़ाना है, ओके। तो हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, पहले हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं, फर्स्ट हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं और फीडबैक लगाकर, नेगेटिव फीडबैक लगाकर गेन कम करते हैं और हम बैंडविड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं अप टू 10^5 हर्ट्ज, ओके। और ये आपका फिगर में है, दिस इज द 10^100, दिस इज 10, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1000 हर्ट्ज, 10^6 हर्ट्ज, ओके, अगेन गेन 10। तो इस वीडियो में हमने इसे अचीव कर लिया, राइट। कंक्लूड कर लीजिएगा, आफ्टर नेगेटिव फीडबैक गेन डिक्रीजेस बट बैंडविड्थ इंक्रीजेस, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, देयरफोर बैंडविड्थ increases, okay, and since bandwidth increases and therefore stability of the system increases and the reproduction of signal is very very good. तो आप भी इस वीडियो को जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे, वापस जब आप देखेंगे तो वहां आप क्वालिटी इसकी वॉच कीजिएगा, okay? तो नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इज इट क्लियर। सेकेंड, वॉट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, ओके। वॉट इज द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एंड वॉट इज द वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, राइट। और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का नेगेटिव फीडबैक में यूज किया जाता है लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में यूज नहीं किया जाता, वाई, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं राठी लाइव तो आपको मिलेंगे 10% डिस्काउंट और वहां होंगी रेगुलर क्लासेस। और अभी लॉन्च हो रहा है क्रैश कोर्स फॉर गेट 2020 एंड ESE प्री 2020, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ESE एंड गेट एस्पायरेंट्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।